की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HSTS के बारे में। HSTS हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एक अथॉरिटी है जो कि सारी चीजों को जो यहाँ पे मैनेज करती है। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी करके जो है पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे चलती है HSTS के अंदर, और जिनकी भी कम रैंक आई है ना, बहुत कम रैंक आई है, HSTS ही एक ऐसी काउंसलिंग है जिसके अंदर आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल सकता है आपके रैंक के ऊपर में। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पूरी प्रोसेस भी बताऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से, साथ ही ये भी बताऊंगा कि काउंसलिंग आपको करनी कैसे है। सारी चीजों को जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन सारी जानकारी आपको यहां पे मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, फिर काउंसलिंग फी वगैरह क्या रहती है, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, और उसके बाद कॉलेज मित्र ऐप आपको किस तरीके से जो यहाँ पे हेल्प करने वाला है, उन चीजों के बारे में भी बात यहाँ पे करेंगे। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया मैं अदर स्टेट का हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ पार्टिसिपेट। देखिए, आप चाहे अदर स्टेट के हो, चाहे या फिर आप होम स्टेट के हो, आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप जो है यहाँ पे हरियाणा के अंदर एडमिशन के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो है 45% ओनली मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, और आप जो है यहां पे इंजीनियरिंग के लिए इलिजिबल हो, आप हरियाणा के अंदर इलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको करना क्या होता है कि HSTS.org.in जो वेबसाइट है ये इनकी पेरेंट वेबसाइट है, लेकिन आपका जो इंजीनियरिंग का पूरा प्रोसेस चलता है वो चलता है techadmissions.hry.gov.in वेबसाइट के ऊपर में। वहां पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन को करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए आप अपनी जेई मेंस की सारी डिटेल्स को एंटर करते हैं। देखिए, जो भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन आपकी फैमिली आईडी के बेसिस पे होता है। आपकी फैमिली आईडी नंबर वहां पे मांगी जाएगी और उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फेच कर दी जाती है। तो ध्यान में ये रहे कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर अभी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ही आपकी इलिजिबल होगी काउंसलिंग के अंदर, तो उसको आप जरूर से अपडेट करवा लें। इनकम जो आपकी फैमिली आईडी पे है वही इनकम आपकी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर भी होनी चाहिए, नहीं तो एडमिशन आपके कैंसिल भी हो सकते हैं। वो चीज भी अपडेट करवा लें और चीजों को सही करवा लें। अभी लगभग एक महीने का समय आपके पास है, काउंसलिंग एक महीने बाद शुरू नहीं होगी, लेकिन ये सब चीजें जो आपको जरूरत होगी वो जब कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे वहां डॉक्यूमेंट्स मैच किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, तो उसमें करीब 1 से 1.5-2 महीना भी है, तो उसको आप अभी आराम से जो है रिक्वायर्ड अथॉरिटी जो भी है वहां जाके चीजों को सही करवा ले। तो PPID या फिर फैमिली आईडी हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अदर स्टेट वालों का आधार कार्ड के ऊपर में जो है यहाँ पे काम चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ₹1000 के रजिस्ट्रेशन फी को सबमिट करेंगे, सारी जानकारी को भरेंगे। और देखिए, जो भी EWS कैंडिडेट है हरियाणा के उनको मैं बता दूं कि आपके फैमिली आईडी पे EWS नहीं होती है, तो आपकी फैमिली आईडी पे तो जनरल ही होगी, लेकिन वहां पे EWS के लिए चेकबॉक्स का ऑप्शन रहेगा कि EWS अगर आप है तो इस पे टिक कीजिए, तो आप उस पे टिक करेंगे और EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो EWS के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो मैंने आपको अलग से बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए होंगे, तो देखिए नाम वगैरह तो खैर ठीक ही है, ये सब क्यों लिख दिया, मोबाइल नंबर ये सब चलिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको एक चाहिए होगी, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगी, आपको जो है जो भी स्कोर कार्ड है जेईई मेंस का वो चाहिए होगा, उसके बाद आपका एक फैमिली आई डी चाहिए होगा। जो भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पे FI लिख देता हूँ, फैमिली, F से फैमिली, I से आई डी। ठीक है, फैमिली आईडी आपको जरूर से चाहिए होगा, इस बात को ध्यान में रखें। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए होगा। TFW कैटेगरी होती है, एक TFW अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं, 6 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर में, आप TFW कैटेगरी से भी सीट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें TFW से कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, तो अगर आपकी रैंक कम आई है तो आप जनरल से ही सीट लें, अपनी कैटेगरी से ही सीट लें, TFW में जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे TFW से सीट मिले, मुझे फी कम लगे। ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये चीजें रहती है, कैटेगरी वगैरह लगती है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनकी ना यहाँ पे कोई कैटेगरी लगेगी और ना उनको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज की, नहीं, सीधे जेई का स्कोर कार्ड लेके आइए और एडमिशन ले जाइए। ठीक है, ये चीज रहती है। आगे बढ़ेंगे, जनरल के लिए 500, नहीं, फी में यहाँ पे गड़बड़ है, इस चीज को मैं दोबारा से करेक्ट करूंगा। फी यहाँ पे जो है ₹1000 की फी आपकी लगती है। ठीक है, ₹1000 की फी लगती है, और ये जो है 2021 का ही इसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और ₹500 फी लगती है SC ST PWD की। ठीक है, ₹500 फी लगती है SC ST PWD की, ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अदर स्टेट के जो SC कैटेगरी है उनके भी ₹1000 लेंगे, इस बात को ध्यान में रखें।
चलिए आगे बढ़ेंगे, चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो आपका कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन के लिए लगभग आपको जो है 25 से 30 दिन, 20 से 25 तो मिनिमम आपको टाइम दिया जाएगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और प्रॉपर हम लोग उस बारे में वीडियो भी बनाएंगे। और जो भी प्रीमियम के अंदर है स्टूडेंट्स, प्रीमियम मेंबरशिप जिन्होंने कॉलेज मित्रा के ऐप से परचेज कर रखी है 499 रुपए की, उनके लिए तो प्रॉपर जो है सारी चीजों को करेंगे, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आप चॉइसेस को भरेंगे, कॉलेजेस को अपने ऑर्डर के अंदर भरेंगे। मान लीजिए सबसे पहले आपने YMCA भरा, फिर आपने डिक्रस्ट भरा, फिर आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, फिर GJU, MDU, ऐसे करके चीजें आपने भरी। ये सारी चीजों को भरने के बाद आपका क्या होता है कि आप कॉलेज एक अलॉटमेंट आता है, जो भी आपने भरे मान लीजिए 25 से 30 चॉइसेस आपने भरे, उसमें से एक कोई आपको मिला। मान लीजिए आपको GJU के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली, अब आप चाहते हैं कि मैं GJU के अंदर कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहता था और मुझे मिल गया, तो चलिए अब आपको क्या करनी है, अब आपको करनी है रिपोर्टिंग उस कॉलेज में, GJU में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पीछे बताए उसको आपको लेकर के जाना है, वहां पे वेरीफाई करवाना है। तीन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूं, एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, एक क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, एक एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको बनवाना होगा, ए से एंटी, आर से रैगिंग, और ए से एफिडेविट, एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको बनवाना होगा, एक गैप ईयर एफिडेविट आपको बनवाना होगा, गैप ईयर, जी से गैप, वाई से ईयर, गैप ईयर एफिडेविट, ए से एफिडेविट, तो गैप ईयर एफिडेविट, ये तीन चीजें भी आपको, तीन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बनवाना होगा। ये भी आप बनवा लेंगे, ये आप जब रिपोर्टिंग के टाइम पे जाएंगे तो ये तीन एडिशनल आप लेके जाएंगे। गैप ईयर उनको चाहिए जिन्होंने ड्रॉप लिया था, ये सारी चीजें आप वहां पे लेकर के जाएंगे, और पहले सेमेस्टर की फी इतनी चीज आप लेकर के जाएंगे, आप वहां पे एडमिशन करवा लेंगे, हो गया अब आपका जो एडमिशन हो गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं मन में आपके लालच रहेगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस तो GJU में मिली है, लेकिन मैं तो चाहता था कि मुझे डिक्रस्ट में कंप्यूटर साइंस मिले, तो आप सेकंड राउंड के अंदर भी जाएंगे, तो अगर आप सेकंड राउंड के अंदर जाएंगे तो पहले राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अगर आप सेकंड के अंदर जाएंगे पहले की सीट कैंसिल हो जाएगी, चाहे आपको सेकंड में कुछ मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, चलिए ओके। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं सेकंड में तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं फिजिकल के अंदर जाऊंगा, तो फिजिकल काउंसलिंग के अंदर आप डिक्रस्ट में गए, वहां आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले ली, और उसके बाद GJU की फी आपको 10-15 दिन में बाद में आपको एडमिशन कैंसिल करवाना होगा GJU आकर के, या फिर ऑनलाइन भी ईमेल डाल करके, तो आप 15 से 20 दिन में आपकी फी रिफंड हो जाएगी वहां से, ऐसे प्रोसेस चलती है। चलिए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात तो खैर मैंने कर ही ली, HSTA 2024 काउंसलिंग सेम पेज दोबारा से रिपीट हुई, तो ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस रहती है। देखिए ध्यान में रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा फ्रीज फ्लोट वाली चीजें यहाँ पे है नहीं, कुछ बहुत ज्यादा जो है चीजें रहती है कि कॉलेजेस काफी अच्छे भी हैं और जो कम रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली मिल भी जाता है, तो कैसे क्या प्रोसेस करना है उस चीज को समझने के लिए आप जो है सिंपल एक काम कर सकते हैं, आप कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोगों ने लास्ट वीडियो मैंने बताया तो बहुत लोग कहते हैं कि भैया मुझे तो यही नहीं पता कॉलेज मित्रा ऐप डाउनलोड कहां से करना है, तो देखिए या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे कॉलेज मित्रा ऐप सिंपल सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे आकर के, ये जो ऐप है ना आपका यही है कॉलेज मित्रा का ऐप। इसको जब हम लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करेंगे, सारी चीजों करेंगे, गूगल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिंपल, करने के बाद ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहां पे HSTS का आइकन आपको दिख रहा होगा, HSTS का, इस HSTS वाले पे क्लिक करेंगे हम लोग यहां पे सारी चीजों को देख सकते हैं। देखिए मैंने HSTS के प्रीमियम मेंबरशिप को परचेज कर रखा है तो यहाँ पे क्राउन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो मैं HSTS का मेंटर हमारे आदित्य रंजन है, इनसे आप कॉल पे या फिर जो भी चीजें हैं अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीजों को यहाँ पे बात कर सकते हैं, चाहे आप मेंटर चैट के थ्रू या फिर आप कॉल के थ्रू अपनी क्वेरीज को रिसॉल्व करवा सकते हैं। अपकमिंग मीटिंग्स में जाएंगे तो आपको मीटिंग, देखिए 28 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी, नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू भी और यहाँ भी हमें यहाँ पे मिलती रहेगी, इस बात को समझिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप चैट के अंदर जो है, जो भी ग्रुप के अंदर चैट वगैरह होती है ये आपको दिख जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चॉइस फिलिंग के अंदर आपको जो चॉइस फिलिंग वगैरह भेजी जाएगी, जो भी लिस्ट आपके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ब्रांचेज है, जिस तरीके कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, कम फीस ज्यादा फीस, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लिस्ट आपको भेजी जाएगी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। तो जरूर से ज्वाइन करें, 499 की आपकी जो है प्राइसिंग रहती है, आप कॉलेज में तरह प्रीमियम से जुड़ सकते हैं। खैर ये जो आपको ऊपर में फीचर्स दिख रहे हैं ये सारी चीजें आपके लिए फ्री है। अगर मैं प्रेडिक्टर के ऊपर में जाता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे, मान लीजिए मैंने डोमिसाइल ऑल इंडिया कर दिया, मैंने कैटेगरी के अंदर अपना ओपन ऑल इंडिया वाले ओपन ही करना, इस बात को ध्यान रखें, मैंने यहां पे जेंडर न्यूट्रल कर दिया और यहां पे जो है रैंक मैंने अपनी मान लीजिए कुछ भी डाल दी, 1, 2, 5, 8, 0 मान लीजिए मैंने कुछ भी डाल दी, और गेट कॉलेज मैंने, यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे। इस तीर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये भी दिख जाएगा कि ब्रांच कौन सा यहाँ पे दिख रहा है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हरियाणा के अंदर हैं और कैसे हैं, क्या चीजें हैं, सारी चीजों का भी आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एचएसटीएस के अंदर अपने पास टोटल 8 जो है सरकारी कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे हैं। मैंने ये 8 गिने चुने कॉलेजेस के नाम लिखे, कॉलेजेस तो आपके पास बहुत सारे और भी हैं, 2-3 के नाम मैं इसके बाद भी आपके सामने लूंगा और बताऊंगा कि उनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन शर्तों पर लेना चाहिए, क्या सोच के लेना चाहिए, उन बातों पर भी यहाँ पे जरूर से चर्चा करेंगे। देखिए अपने पास आ जाता है वाईएमसी फरीदाबाद, डीक्रस्ट सोनीपत, यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आ जाता है, निफ्ट सोनीपत एचएसटीएस के अंदर नहीं आता, इसको कैंसिल करेंगे, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जीजेयू, उसके बाद एमडीयू और फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले अपने पास आ जाता है वाईएमसीए फरीदाबाद। देखिए वाईएमसीए फरीदाबाद की जो एवरेज पैकेज है वो 3.67 लाख पर एनम के आसपास है। क्यों है तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी आपको देखने को मिलती है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी ब्रांच देखने को मिलती है। तो ये सब जो ब्रांचेज हैं वाईएमसीए के अंदर, ये थोड़ा सा पैकेज को यहाँ पे डाउन कर देते हैं। वैसे अगर मैं सीएससीआईटी की बात करूँ तो 9-10 एलपीए का एवरेज पैकेज यहाँ पे रहती है। सीएससीआईटी ईसी जो है मैकेनिकल ब्रांच भी काफी बढ़िया है, वहाँ भी 5-6 एलपीए का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है। 28 एलपीए का आपका यहाँ पे हाइएस्ट पैकेज रहता है, 1 लाख पर ईयर आपकी यहाँ पे फी लगती है। और ये जो कट ऑफ है सीएससी की 34,000, सीएससी डेटा साइंस की 41,000, आईटी की 44,000 कटऑफ, ये सारी कटऑफ जो चीजें हैं ये आपकी कहीं ना कहीं जो है ऑनलाइन राउंड्स के कटऑफ है, फिजिकल के अंदर ये सीएससी आपको जो है करीब 50,000 के आसपास तक देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे डीक्रस्ट सोनीपत की बात करेंगे, इस कॉलेज को भी जो है बहुत कमाल के कॉलेज के अंदर जो है यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, हरियाणा के अंदर काफी ज्यादा चूज करते हैं लोग। और 3.5 एलपीए के एवरेज पैकेज रहती है, हाईएस्ट पैकेज 10 एलपीए के रहती है, 64,000 पर ईयर फी काफी कम है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। सीएससी 71,000, फिजिकल के अंदर आपको लाख रैंक तक सीएससी आपको मिल जा रही होगी और ईसी आपको 97,000 तक देखने को मिल जाती है, तो ये भी आपके लिए काफी बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा, इसको आप चूज कर सकते हैं। थर्ड पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं जाऊंगा यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ, यूआईटी केयू के बहुत कमाल का कॉलेज, और एनआईटी कुरुक्षेत्र चूंकि बगल में है आपके यूआईटी केयू के, तो आपकी जो है प्लेसमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, इसीलिए एवरेज पैकेज 4.2 एलपीए और हाईएस्ट पैकेज 20 एलपीए तक पुश हो जाता है। थोड़ी सी फी ज्यादा 86,000 के आसपास और 78,000 तक सीएससी आपको मिल जाएगी, ईसी 1,41,000 तक। लास्ट ईयर क्या हुआ, फिजिकल काउंसलिंग में यहाँ पे सीएससी भी और लास्ट ईयर से एआईएमएल भी आई है, तो सीएससी और एआईएमएल मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.5 लाख तक यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिली है। कॉलेज मित्रा से करीब 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे जो कि सिर्फ एचएसटीएस काउंसलिंग के लिए थे हमारे पास, और हमने बहुत अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को पहुंचाया है। 2.5 लाख के आसपास लास्ट स्टूडेंट जो कि कॉलेज मित्रा से गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वो हमारे कॉलेज मित्रा से था, बाकी और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो चीजें रहती है। आगे बढ़ेंगे निफ्टम सोनीपत, ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग नहीं करने वाले हैं, इसका एडमिशन एचएसटीएस से नहीं होता, जोसा सीसैप से एडमिशन होता है। आगे बढ़ेंगे चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ये एचएयू बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज है, हिसार के अंदर ही है, 5 एलपीए के एवरेज पैकेज, 8 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, फी बहुत कम है, 18,000 के आसपास फी, 1,77,000 तक आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगी। और ध्यान में रहे कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो एचएसटीएस की होती है उसके अंदर आपको एचएयू के अंदर सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिल सकता है, अदर स्टेट वालों का एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं जीजेयू हिसार की बात करते हैं, जीजेयू हिसार की एवरेज पैकेज 4 एलपीए के आसपास रहती है, 14 एलपीए तक हाईएस्ट पैकेज और 68,000 पर ईयर फी रहती है इस कॉलेज की, काफी कमाल का कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के मामले में काफी रिच कॉलेज है और यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सीएससी 1,13,000, 1,16,000 तक आपकी एआईएमएल, आईटी 1,27,000। मैं सही बताऊं आपको, मैं दिखाऊं, अब रुक जाइए मैं भी आपको जो है स्क्रीन पे ही शो कर देता हूं, आप देखेंगे, रुक जाइए अभी मैं कॉलेज मित्रा का ऐप आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम होम स्क्रीन पे जाएं यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज डले हुए हैं, ठीक है, अब इस रिव्यूज में अगर मैं देखूँ, देखिए ये रिव्यूज हैं स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर के, ठीक है, जो भी हमारे से गए हैं, ये राजीव रंजन मिश्रा, इनकी जो रैंक थी वो 280 के आसपास थी, 290 के आसपास इनकी रैंक थी, 2,90,000। अब कट ऑफ देखिए यहाँ का और यहाँ का कट ऑफ देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग की कट ऑफ नहीं दिखा सकते आपको, इसीलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बातें हो जाती है दिक्कत। अब ये परियादित्य रंजन भाई ने काउंसलिंग 3,89,000 पर जीजेयू हिसार में सीएससी मिली, हरिओम, अदर स्टेट का स्टूडेंट, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, काफी जो है चीजें हमारी काउंसलिंग से काफी सारे स्टूडेंट्स गए हैं और बहुत कम कम रैंक पे वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर, एआईएमएल के अंदर, आईटी के अंदर, जीजेयू के अंदर या फिर एमडीयू के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर जाके पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं यूआईटी एमडीयू रोहतक की बात करते हैं, एमडीयू रोहतक बड़ा कमाल का कॉलेज, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है
लगभग 3.5 LPA का, हाईएस्ट पैकेज 14 LPA का, 71,000 पर ईयर लगभग फी रहती है आपकी, सीएससी 1,17,000, 1/32 तक AIML आपको मिल जा रहा होगा। लास्ट कॉलेज की बात करेंगे हम लोग गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है आपका बहुत ही रिसेंटली एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन काफी कमाल का कॉलेज, 3.5 LPA की एवरेज पैकेज, 32 की हाईएस्ट पैकेज। फ्यूचर में ये कॉलेज काफी कमाल का करने वाला है, अभी थोड़ा सा नया है, हॉस्टल्स वगैरह भी नहीं है, चीजें एस्टेब्लिश हो रही है। 40,000 फी रहती है, AI आपको 1,37,000, 1,74 तक आपको ये देखने को मिल जाएगी, IOT 1,90 तक, हालांकि 6-7 लाख तक रैंक तक भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहती है, ये सारे कॉलेजेस थे जो मुझे आपको बताने थे। बाकी इसके बाद और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है SIT नीलोखेड़ी है, CRS SIT झज्जर, RBS SIT रेवाड़ी है, SIT सिरसा भी है। ये सारे कॉलेजेस के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, काफी कम कम रैंक तक आपको यहाँ पे CSE ब्रांचेस मिल जाती है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर HSTS काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी रैंक कम आई है, आप क्लूलेस हो कि कहां जाना है कैसे जाना है, तो आपको बस एक काम करना है, आपको कॉलेज मित्रा के प्रीमियम मेंबरशिप से जरूर से जुड़ना है, जहां पे आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, प्रॉपर चीजें बताई जाएंगी कि कैसे क्या हमें करना है और कैसे चीजें करनी है, इस बात को ध्यान में रखें। ये प्रीमियम का जो आइकन आपको दिख रहा है, इस प्रीमियम पे जाकर के आप जाएंगे और यहां पे स्लाइड टू ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, स्लाइड टू ज्वाइन करेंगे और उसके बाद अपनी सारी की सारी डिटेल्स को यहां पे एंटर करके अपनी रैंक, डोमिसाइल, कैटेगरी, जेंडर और यहां पे काउंसलिंग में HSTS को यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर और भी काउंसलिंग्स आपको सेलेक्ट करनी हो, 3 काउंसलिंग पे 300 का और 5 काउंसलिंग पे 500 का आपको टोटल डिस्काउंट मिलता है, उसको सेलेक्ट करके आप स्लाइड टू पे करके सारी चीजों को यहां पे कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। तो ये चीज करने के बाद आप जो है हमारी प्रीमियम के अंदर जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको ऐप के ऊपर ही प्रीमियम डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि प्रीमियम मेंबर्स के लिए होता है ओनली, जहां से आपको चॉइस फिलिंग लिस्ट तो खैर मिलेगी ही, लेकिन आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, जिससे आप अपनी क्वेरीज होती है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, वो 24/7 आप कॉल के थ्रू या फिर चैट के थ्रू रिजॉल्व करवा सकते हैं। ग्रुप चैट के थ्रू आपको बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू सारी चीजों को बताया जाता है, वीकली आपकी मीटिंग्स होती है, सीनियर्स के साथ आपकी मीटिंग्स होती है, सारी चीजों में आपको जो है यहां पे गाइड किया जाता है। तो जरूर से जुड़े, ज्यादा लेट मत करें इन चीजों में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।